नमस्ते देवियों और सज्जनों, नहीं देवताओं, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, मैंने अपने YouTube की कमाई से पहला लैपटॉप लिया है। जी हाँ दोस्तों, और इसके पहले मैं जो लैपटॉप यूज़ कर रहा था वो मतलब मेरे भैया ने दिलाया था कुछ 2.5 साल पहले, और फिलहाल मैंने आज अपने पैसे से मैंने वो लैपटॉप ख़रीदा है। 1 लाख रुपये का वर्थ करता है, लेकिन मुझे मिला है कुछ 74,000 का। मैं आपको लैपटॉप दिखाना चाहता हूँ, तो भाई लैपटॉप आ जाओ मेरे हाथ में। ओम हरीम करीम। हाँ तो दोस्तों, ये है एसर प्रीडेटर हेलियोस 300। दिख रहा है क्या हरीश भाई? लौकता। और फिलहाल मुझे इंस्टाग्राम पे लोगों ने बोला कि भाई आप अनबॉक्सिंग करना, लेकिन मैं यार अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं करता, डब्बे में नहीं खोलता। तो ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरा जो पहला लैपटॉप है मेरे यूट्यूब की कमाई से कैसा है, और मैं बताऊँगा कि मैंने इसको क्यों लिया। तो देख लेते एक बार, एक पहली झलक तो देख लेते हैं, खोल लेते हैं। प्ले बटन वाली फीलिंग आ रही है, जैसा प्ले बटन का बॉक्स आता था। तो आप देख सकते हैं प्रीडेटर, काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन है, काफ़ी प्रीमियम लुक है। हालांकि ये गेमिंग लैपटॉप है, और थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ, ये गेमिंग लैपटॉप है। ठीक है, तो अब इसको निकाल लेते हैं। अब दोनों बाजू से मैं दिखा देता हूँ, ये हो गया सामने के, यहाँ पे देख सकते हैं रेड रेड का जो लाइन है ना, काफ़ी ख़तरनाक दिख रहा है। और इधर डिज़ाइनिंग काफ़ी कमाल की है इसकी, और थोड़ा सा हैवी है। एक्चुअली हैवी इसलिए कि गेमिंग लैपटॉप है, इसमें कूलिंग का सिस्टम बनाया गया है काफ़ी ख़तरनाक, और लैपटॉप कुछ इस तरीके से है। तो इसका कुछ सिनेमैटिक शॉट्स आपको दिखा देंगे हम। तो अब बात करते हैं इसके बारे में, इस लैपटॉप के बारे में। तो दोस्तों, जो एसर प्रीडेटर हेलियोस 300 जो लैपटॉप है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है मैं बता देता हूँ। इसमें i7 का प्रोसेसर दिया हुआ है 8th जनरेशन, और इसकी रैम जो है 8GB की है, और साथ में इसमें ग्राफिक कार्ड 4GB का आता है। ग्राफिक्स है वो GTX 1050 वाला है। इसके ऊपर का जो लेवल था वो कुछ 1 लाख रुपये का था, तो मेरे पास जो बजट था 75,000, मैंने ये ले लिया, तो 74,000 का मुझे पड़ा। वैसे सेल में काफ़ी सस्ते में भी मिल गया था, लेकिन अब वो सेल नहीं आने वाला है। गाइस, मैं इसको लेने का सपना देख रहा था तब से जब मैं YouTube चैनल मैंने शुरू किया था, कि मेरे पास एक ऐसा लैपटॉप होना चाहिए जिसमें मैं हैवी एडिटिंग कर पाऊँ। और होता क्या है गाइस, मेरे पास जो लैपटॉप था 40,000 का लैपटॉप था, उसमें एडिटिंग उतनी प्रॉपर से नहीं हो पाती थी। जैसे ही कुछ थोड़ा सा 4-5 लेयर हुआ तो खिचपिच चालू हो जाता था उसका, तो मेरे को पसंद नहीं था। कभी कभी इतना गुस्सा आता था, मन करता था कि लैपटॉप मार के फोड़ दूँ, ऐसा सीन हो जाता था। तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि भाई कि कौन सा लैपटॉप लूँ, और जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने लैपटॉप के लिए पूछा भी था, और साथ में जब लैपटॉप लाया तो मैंने बताया भी। यार आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो यार, क्या है यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें यार, क्या कर रहे हो? प्लीज़ फॉलो करो इंस्टाग्राम पे सतीश कुशवाहा और सतीश के वीडियोस। दोस्तों, हर एक यूट्यूबर का एक सपना होता है कि उसके जो हथियार हो ना काफ़ी मजबूत हो, काफ़ी सही हो, कैमरा भी अच्छा खासा हो, लैपटॉप भी अच्छा खासा हो, या फिर PC अच्छा खासा हो। मेरे पास कैमरा तो ठीक है, चलो 2-3 कैमरास मेरे पास हो गए थे, लेकिन लैपटॉप की कमी थी। जो पहला लैपटॉप है वो ख़राब तो नहीं हुआ है, बट मुझे मज़ा नहीं आता था एडिट करने में, वो स्मूथनेस नहीं मिलती थी एडिट करने में। जो इफ़ेक्ट्स लगाते थे फिर उसको देख नहीं पाते थे बिना रेंडर किए, तो मुझे रेंडर करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता था। इसके लिए मैंने इस लैपटॉप को लिया है। फिलहाल अभी मैं लैपटॉप को यूज़ करूँगा, अभी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बट जिन लोगों ने यूज़ किया बताया कि काफ़ी सही एडिटिंग होती है इस पर, क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है। इस पर अगर आप PUBG एंड ऑल ये सब खेलने वाले आप लोग हो तो खेल सकते हो, काफ़ी आराम से कभी चलता है। और गेमिंग के टाइम पे थोड़ा हीटिंग इशू होता है, तो हीटिंग तो यार हर कोई करेगा, अगर आपके ऊपर भी 50 किलो रख दिया जाए तो आप भी गर्मी फेंकने लगोगे। दोस्तों, एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वर्क करती है। मैं इसलिए बोलता हूँ गाइस, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ लेता हूँ ना, उसके पहले कुछ 6 महीने पहले से या 1 साल पहले से मैं प्लानिंग करके करता हूँ। तो ये जो लैपटॉप था मैंने कुछ तो 1 साल या 1.5 साल पहले मैंने इसको देखा था, शर्मा जी ने शायद इसकी अनबॉक्सिंग करी थी, मुझे लैपटॉप पसंद आया था। फिर मैंने सोचा था कि यार मैं लूँगा जब मेरे पास पैसे होंगे, और जब मैं कैपेबल रहूँगा इस चीज़ को लेने के लिए तो मैं ज़रूर लूँगा। और दोस्तों, मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, क्योंकि अगर मेरा यही काम है तो मेरा हथियार मजबूत होना चाहिए। आप जिस भी चीज़ से पैसे कमा रहे हो, आपके लिए वो हथियार मजबूत होना चाहिए। तो मैं इस चीज़ में थोड़ा सा मतलब ढीला था, मुझे लगता था कि नहीं ज़्यादा खर्च हो रहा है लैपटॉप पे, लेकिन फिर मैंने दिमाग लगा कि भाई लैपटॉप से एडिटिंग करता हूँ तो वो मेरा काम कर रहा है ना, तो वो काम ज़रूरी है, जो मेरा मेन काम है वो ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने इस लैपटॉप को लिया, ज़्यादा सोचा नहीं, 1 साल से तो मैं सोच ही रहा था, इसलिए लेने के टाइम पे ज़्यादा सोचा नहीं, तो इस तरह से मैंने लिया था। और मैं भी आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर आप कुछ चीज़ लेना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किसी भी चीज़ में,
तो पहले से आप एक प्लान करके चलो कि हाँ मुझे इस चीज़ को लेना है, इतने टाइम के बाद लेना है, उसके लिए पैसे सेव करके रखो। मैं YouTube से पैसे कमा रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ भाई, थोड़ा थोड़ा मैं चीज़ सेव करता हूँ कि भाई मैं इसको किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए मैं यूज़ करूँगा। अभी मैं गिम्बल के लिए प्लान कर रहा हूँ, तो जब मैं वो ले लूँगा तो फिर मतलब मेरा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना वो काम करेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो अभी लैपटॉप मैंने ले लिया है, गेमिंग लैपटॉप एसर का प्रीडेटर। तो दोस्तों मुझे 75,000 में मुझे इससे बेटर लैपटॉप दिख नहीं रहा था जो एडिटिंग पर्पज़ के लिए हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैकबुक्स सजेस्ट किया लेकिन वो मुझे ओवर प्राइस लग रहा था। कूल तो लगेगा ही लेकिन यार ओवर प्राइस था तो मैं ज़्यादा पैसे नहीं डाल सकता था उसमें। तो आप लोगों के हिसाब से कौन सा बेटर लैपटॉप है या कौन सा बेस्ट लैपटॉप है इस 75,000 के रेंज में, 80 तक आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आप होते तो कौन सा लेते। फिलहाल के लिए वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और लाइक कर देना इस वीडियो को ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे लगेगा कि आप लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि मेरी जो प्लानिंग थी वो सक्सेसफुल रही। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो यार मेरे भाई, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो आप, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपको ऐसे ही मैं इंस्पायरिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए यार आप मजाते रहो।